नमस्कार दोस्तों, मैं सनी प्रकाश हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे कि सिनेमा हॉल्स फिर से अपने पुराने जैसे उनके माहौल थे, जैसा उनका भीड़ था, जैसा उसका क्रेज था, वैसा फिर से चालू हो गया है। और जो लोग कहते थे कि अब तो सिनेमा हॉल का जमाना चला गया, OTTs का जमाना आ गया, तो वो बात पूरी तरीके से सत्य नजर नहीं आ रही है, क्योंकि साउथ की जितने फिल्में अभी आ रही है, मुझे लगता है RRR, KGF, इससे पहले गंगूबाई बॉलीवुड की फिल्में, कश्मीर फाइल्स, जिसने ये चारों पांचों फिल्में जो साथ साथ में आई, उन्होंने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। करते हैं अभी जो सबसे लेटेस्ट सिनेमा हॉल में चल रही है और सफलताओं के परचम दिन प्रतिदिन उसके बढ़ते जा रहे हैं, कमाई बढ़ती जा रही है और अपना परचम लहरा रही है, KGF चैप्टर 2 की, जिसके डायरेक्टर हैं प्रशांत नील जी, उनको सलूट है इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को टीम में जोड़ा है जिनके पास हुनर है और वो पहली बार काम कर रहे हैं। जैसे उसके एडिटर की चर्चा अभी पूरे इंडिया में चल रही है, एक 19 साल का लड़का, जी हाँ, एक 19 साल का लड़का उसका एडिटर है, उज्जवल, जिसका नाम उज्जवल कुलकर्णी है। उज्जवल कुलकर्णी 19 साल का महज होके इस फिल्म को पूरे इस तरीके से एडिट किया है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे इस फिल्म को देखने के बाद कि कोई लड़का है इसको ऐसा एडिट कर सकता है। देखा जाए तो आज जो उज्जवल कुलकर्णी है वो 19 साल के हैं, लेकिन जब KGF 1 आया था, चैप्टर 1 आया था, तो उनकी उम्र महज 16 साल की थी। और वो 16 साल की उम्र में उस KGF को देख के उसको री एडिट करके कुछ गाने को एडिट करके, कुछ सीन को एडिट करके उन्होंने YouTube पे डाल दिया था। लोगों को पसंद आई ये चीज, उसके बाद धीरे 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 वो डायरेक्टर तक पहुंच गई। जब डायरेक्टर तक पहुंची, उन्होंने उस एडिट को देखकर वो प्रभावित हुए और उन्होंने फैसला किया कि भाई इसी लड़के से हम जब चैप्टर 2 बनाएंगे तो इनको सही इनसे एडिटिंग कराएंगे। आज उन्होंने किया है और इतिहास रच दिया है। मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में कभी भी उनके कैरियर के लिए कुछ और चीजों की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि वो इस चीज को बेहतर तरीके से करते हैं। आप YouTube देखते होंगे, YouTube पे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो को ये बच्चे लोग एडिट करके डालते रहते हैं। बहुत लोग ध्यान देते हैं, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज करना उज्जवल कुलकर्णी के लिए सही साबित हो गया और उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया उज्जवल कुलकर्णी जी को, और उनके आगे के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और दिन प्रतिदिन और बढ़िया बढ़िया फिल्म एडिट करें, उसको आगे बढ़ाएं। जो मैं कहता हूं कि भाई समय, उम्र, एक्सपीरियंस कोई मोहताज नहीं है, अगर आप में हुनर है तो आपकी कद्र जरूर होनी है। दूसरा, प्रशांत जी ने जो मौका दिया था, जो चैप्टर वन के भी DOP थे, भुवन गौंडा, तो भुवन गौंडा जो है वो एक स्टिल फोटोग्राफर थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी फिल्म में सीनियोटोग्राफर के रूप में, DOP के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। कहीं से उन्होंने सीखा होगा स्टिल फोटोग्राफी और वो एक माज घड़ी की दुकान में काम करते। उनको डायरेक्टर ने मौका दिया और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को वो लेके इतनी बढ़िया फिल्म उन्होंने बनाया और इतना बढ़िया सहयोग किया, फुटेज की कोई कमी नहीं रही। और ये फिल्म आगे भी जो चैप्टर 3 या फिर आगे की सीरीज बनेगी, मुझे उम्मीद है कि शायद वही रहेंगे। तो दोस्तों ये जो फिल्मों का दौर है, वो फिल्में चल रही है, अगर आप KGF, RRR ये सबको TV पे या मोबाइल पे देखेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसकी एडिटिंग है, जिस तरीका से उसकी एडिटिंग है, जिस तरीका से साउंड है, ये सारी चीजें आपको उसमें ही देखने को मिलेगी, उस सिनेमा हॉल में ही आपको ये मजा आने वाला है। क्योंकि एडिटिंग में मैंने कुछ सीन को देखा है, जिस सीन में पुराने पैटर्न पे आपको एक्शन सीन में फेड आउट, फेड इन ये सब किया जाता था, लेकिन इसमें पूरा ब्लैक आउट, 1 सेकंड के लिए, 1.5 सेकंड के लिए, उसके बाद पीछे से साउंड चल रहा है और साउंड चलते चलते फिर से सीन आ गया,
फिर से ब्लैक वो आ गया। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा इसमें एडिटर ने जो इफेक्ट लगाए हैं जिसमें पाउज एंड प्ले, जो बहुत सारे हॉलीवुड फिल्मों में आपको पाउज एंड प्ले देखने को मिलता है, इसमें कुछ ज्यादा उस तरीको नए तरीके से यूज किया गया है। तो नए पैटर्न की शुरुआत है एज ए डीओपी, एज एडिटर इस फिल्म के जरिए, और मुझे उम्मीद है कि इस पैटर्न पे, नए पैटर्न पे बहुत सारी फिल्में आगे एडिट होगी और हमें भविष्य में इस टाइप की फिल्में देखने को मिलेगी, और नए पैटर्न पे बन रही फिल्मों को पब्लिक, दर्शकों को आकर्षित कर रही है, हॉल तक लेके जा रही है, हॉल का क्रेज बढ़ रहा है, जो हम जैसे प्रोड्यूसर, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत खुशी की बात है कि हॉल का क्रेज फिर से वही स्थिति में आ रहा है। और साउथ एक रीजनल लैंग्वेज होने के बाद भी बॉलीवुड को मात दे रही है, तो कहीं ना कहीं से उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आज के न्यूज़पेपर में, आज के इसमें मैंने देखा कि आरआरआर में जो रामचरण जो हीरो थे और जूनियर एनटीआर जो थे वो एयरपोर्ट पे जब आए थे तो उन्होंने नंगे पैर कोई दीक्षा ली हुई थी 21 दिनों की, तो इमोशन से, अध्यात्म से, सब चीजों से वो जुड़े हुए हैं और वहां के दर्शक उनको मानते हैं, भगवान के समान मानते हैं अपने स्टार को, तो कहीं ना कहीं से बॉलीवुड को और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, सबको ये साउथ से ये चीजें सीखनी चाहिए, इस चीज को लेनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर क्रिएशन करके हम पब्लिक तक पहुंचा सके और नए लोगों को जो हमारे साथ हुनर से जुड़े हुए हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एडिटर को अभी चांस दिया है और बहुत सारे ऐसे एडिटर हमारे नजर में है जो एडिट अच्छा कर रहे हैं। अभी कल ही हमारे इंस्टाग्राम पे एक लड़के ने मुझसे कांटेक्ट किया है और उन्होंने कहा कि मैं स्टिल एडिटर हूं सर, और मैं 50 फोटो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एडिट करके दूंगा, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा कर पा रहा हूं तो आप मुझे जरूर चांस दीजिए। हमने बोला ऑफ कोर्स, जब आप अपने चीजों को प्रूफ करते हैं तो आपको फिर काम की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ काम करने वालों की कमी है। जो आदमी के पास हुनर है, जिस आदमी के पास काम करने की क्षमता है, तो इंडस्ट्री में दोस्तों काम की कमी नहीं है। जब भी फिल्में नहीं चल रही थी, हॉल बंद हो रहे थे, तो इसकी कमी कोई दर्शक से नहीं थी, क्रिएशन से थी। अगर फिल्में अच्छी क्रिएट हो रही है तो दर्शक आ रहे हैं, इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता है। जो ये लगातार 5-5 फिल्में लॉकडाउन के बाद हॉल खुलते ही, मैंने अभी कुछ फिल्में जो देखी जिसमें से कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई, ये सब उसमें हॉल्स भरे हुए थे, मैंने कभी नहीं देखा था आज से 10-15 साल के। अभी KGF में देखने को मिल रहा है, RRR में देखने को, और आने वाले सारे सिनेमा में शायद देखने को मिलेगा। तो समय आ गया है, सबों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपने क्रिएशन को करें, अपने आर्टिस्ट को, अपने हुनर को दिखलाएं, कभी भी कहीं भी आपको बड़ा मौका मिल सकता है। जैसे एक 19 साल के लड़के ने इतिहास रच दिया, तो ये इतिहास आप भी रच सकते हैं, और मौका हर जगह है, बस आप अपने वर्क को ईमानदारी पूर्वक करते रहिए और मौके की तलाश में रहिए, एक भी मौका चूके नहीं।